स्कैन अगर करवाना है तो उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे पेट स्कैन जो है वो रुक जाता है और वहीं से आपका काम नहीं होगा, ये आज हम जानने वाले हैं जाइडस कैंसर सेंटर के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर सनी गांधी से। सर, तीन क्वेश्चंस ये वीडियो में आपको पूछूंगा। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा होगा कि पेट स्कैन करवाने के फायदे क्या हैं। सो जैसे भी ये पेट स्कैन बेसिकली इट इज़ पेट सीटी स्कैन, सो इसमें दो चीज़ों का एक कंबाइंड इमेजिंग मोडालिटी, दो काम एक ही स्कैन के अंदर हो गया। सो इसमें मेन फायदा ये है कि इसमें हेड से लेकर मिड थाई तक यानी पूरा बॉडी में कहाँ कहाँ कैंसर सेल है वो वन गो में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा वो कैंसर कितना एक्टिव है वो भी वो एक ही स्कैन में पता चल जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है या कर रहा है, या अभी का स्टेटस क्या है, फॉलोअप में अगर आपको एक बार ट्रीट होने के बाद कैंसर वापस आया है कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक ही स्कैन में मिल जाता है। तो ये हो गए उसके एडवांटेजेस। सर, एडवांटेजेस की जब बेनिफिट की बात है तो पेट स्कैन जो है वो बहुत सालों से चल रही प्रोसेस है, तो क्या ऐसा कहना सच है कि 80-90% जो कैंसर्स होते हैं वो पेट स्कैन की मदद से डायग्नोस एंड फॉलोअप के प्रोसेस में आगे हेल्पफुल होता है? बात बिल्कुल सही है कि ये कोई आजकल की आई हुई टेस्ट नहीं है, इसका बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल में उसका वैलिडेशन हो चुका है। सो डेफिनेटली इसीलिए वो इतना पॉपुलर भी है और वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ भी होता है। सर, बेनिफिट्स के बाद जो है उसके रिस्क पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये स्कैन कोई करवाने जा रहा है तो क्या रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि अभी वैक्सीन का सीज़न चल रहा है तो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कुछ रिस्क होते हैं, काफ़ी वैक्सीन जो है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम करती है, तो यहाँ पे पेट स्कैन के क्या रिस्क है? तो दवाई यूज़ होती है उसका वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो डेफिनेटली रेडिएशन का रिस्क है, लेकिन फ़ायदा क्या उसमें, एडवांटेज ये है कि उसमें जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो बहुत ही कम है और वो एक डायग्नोस्टिक रेडिएशन है, प्लस उसका 2 घंटे का ही हाफ लाइफ है, सो अराउंड 1 दिन के अंदर तो वो वॉश आउट भी हो जाता है। और अगर लेकिन आप उसको कंपेयर करेंगे उसके फ़ायदे के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू मिनिमल रिस्क। दूसरी बात हो गई, उसके साथ हम सीटी स्कैन करते हैं तो सीटी स्कैन के अंदर सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, उसके एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन उसकी भी फ्रीक्वेंसी आजकल के जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी कम है, और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन तो लाखों में एक पेशेंट को होता है। सो रिस्क से ज़्यादा फायदे बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मतलब बहुत ही कम रिस्क है, एक रेडिएशन का रिस्क है लेकिन वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में होने के कारण, और उसके अलावा उसकी जो हाफ लाइफ आपने बताई सर कि वो 2 घंटा है तो 20 घंटे में तो फ्लश हो जाएगा, तो रिस्क जो है ये प्रोसेस में बहुत ही कम एसोसिएटेड है। लास्ट क्वेश्चन से मेरा ये है कि ये हमारे पीछे जो मशीन है ये पेट सीटी मशीन है, उसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ पर ये मशीन नहीं काम कर सकता है? सो काफ़ी सारे कैंसर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो हमारा जो दवाई है फ्लोरोडियोक्सी ग्लूकोज वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, तो वहाँ पे ये स्कैन यूज़फुल नहीं होगा। इसके अलावा बहुत ही छोटे कैंसर है जो कि सुपरफिशियल है और हमें ये स्कैनर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो वो सब इसमें पिकअप नहीं हो सकता है। काफ़ी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि मेरे घर में या मेरे बाजू में ये भाई को कैंसर हुआ था, मुझे बहुत डर है, मुझे भी करवाना है, मेरा एक बार आप चेकअप कर लो और मुझे बोल दो कि कैंसर है कि नहीं। तो बेसिकली ये पेट स्कैन वो कोई स्क्रीनिंग टूल नहीं है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद बॉडी में कहाँ कहाँ फैला हुआ है यानी उसको स्टेजिंग बोलता है उसके लिए, या तो फिर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए, या तो फॉलोअप में यूज़ होता है। इट इज़ नॉट स्क्रीनिंग टूल, क्योंकि अलग अलग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मेथड अलग अलग है। मान लो हमें किसी फीमेल के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, तो हमें वो फीमेल में हायर रिस्क होने के कारण अगर स्क्रीनिंग करना है तो सोनोग्राफी और मेमोग्राफी ज़्यादा बेहतर है, उसमें अच्छी तरह से ज़्यादा जल्दी पिकअप हो सकता है। सो वहाँ पे पेट स्कैन करने से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारी बातें हो गई बेनिफिट रिस्क एंड लिमिटेशन की। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ये कोई स्क्रीनिंग टूल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्री चेक के बाद आप जो पेट स्कैन पे पहुँचते हो उसके बाद जो है ये टेस्ट वक्त में होता है, पता चलता है कैंसर है या नहीं, और चल रहा है कैंसर, ट्रीटमेंट चल रही है तो किस तरह की ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट आपके आप पे आ रहा है वो आपको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिस्क बेनिफिट एंड लिमिटेशंस के बारे में। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, डेफिनेटली हम एक Q&A वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।